नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुखसार खान और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया 18। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। सहारनपुर लॉकडाउन के बाद विद्युत विभाग के द्वारा हो रहे लोगों के शोषण को लेकर आज संजय वालिया कांग्रेस कार्यकर्ताओं व महिलाओं के साथ अधीक्षण अभियंता बिजली विभाग के घंटा घर के यहाँ पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन कर SC की अनुमति में XN वर्मा जी को एक ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर संजय वालिया ने कहा, पिछले 8 महीने से बिजली अधिकारियों द्वारा सुबह के टाइम बिजली चोरी पकड़ने का काम जारी है, जिसमें बिजली उपभोक्ता को बिना जानकारी के उनकी FIR दर्ज कर दी जाती है और उन्हें तब पता चलता है जब पैसा बिल में जुड़ कर आता है। वालिया ने बिजली अधिकारियों से मांग की, जब भी छापेमारी की जाए और उसके घर पर या दुकान पर चोरी पाई जाए तो उसे तुरंत लिखित में सूचना दी जाए और उसके उपस्थित रहने पर ही किस किस चीज की बिजली चोरी कर रहा है लिखकर साइन कराने का काम करें। जो भोक्ता साइन करने का काम नहीं करता उसके यहाँ चस्पा करने का काम करें। इस मौके पर आदेश त्यागी व पप्पू चौधरी ने कहा, आम उपभोक्ता बिजली विभाग के भ्रष्टाचार से दुखी आ चुका है। इस मौके पर संजय वालिया, रवि यादव, बलदेव चौधरी, कुलदीप चौधरी, रजिया सुल्तान, फातिमा फूल, बानो नसीमा, रुखसाना अमित आदि उपस्थित रहे। ब्यूरो चीफ हैदर अंसारी की रिपोर्ट। साथियों, आज हम घंटाघर बिजली घर पे बिजली विभाग के आम उपभोक्ता का दर्द लेकर पहुंचे हैं। आम उपभोक्ता का दर्द है, घर में मीटर भी है, घर में नंबर 2 बल्ब 2 पंखे 1 TV लगा हुआ है, 4,000 का बिल आता है, उसके बाद जई और लाइनमैन उनके FIR करने का काम करते हैं। हम मानते हैं अगर किसी ने चोरी की है आप उसके FIR करिए, लेकिन जिस आदमी ने गुनाह किया है उस आदमी को सूचित करने का काम करो, उस आदमी को बताने का काम करो कि आपने FIR दर्ज की है, ये गलती की है। दूसरा, मैं जानना चाहते हैं बिजली विभाग के पास ऐसा कौन सा उपकरण है जब घर के बाहर सुबह के टाइम चोरी पकड़ते हैं, बाहर से अंदर आवाज भी नहीं देते कि आपने चोरी कर रखी है, तो वो कौन सा उपकरण इनके पास है? इन्हें पता चल जाता है अंदर मीटर की रोड लगी, पानी गर्म कर रहे हैं, हमने हीटर जला रखा है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो भी है। तो हम साफ कहना चाहते हैं अगर कहीं भी बिजली की चोरी पकड़ी जाए उस आदमी को तत्काल जई या SDO स्तर पर सूचित किया जाए, उसे बताया जाए तूने गलती कर रखी थी, ये चोरी की है, उसकी सजा दी जाए। लेकिन जिन शरीफ लोगों ने ये गलती नहीं की, जो बुजुर्ग माताएं बहनें दर दर यहाँ बिजली अधिकारियों के चक्कर काटने का काम कर रही है और एक काम के लिए 15-15 दिन 20-20 दिन लगातार आना पड़ता है, उसे सुलझाने का काम नहीं किया जाता, इस बात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए और आम आदमी को न्याय दिया जाए।